असलकुम वरमि वबरक तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम आलमीन का रब है नाजरीन हजरात हूँ नसीम अख्तर मुरादाबादी आपकी खदमत में इस मौजू के साथ कि आज एक ऐसी मालूम में आप तक पहुँचा रहा हूँ अगर सही माना में आपने इन बातों पर गौर कर लिया तो आपकी अजदवाजी ज़िंदगी यानी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कामयाब बन जाएगी घर में जो आए दिन शोहर और बीवी में झगड़े होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आप इन बातों पर अच्छे से गौर करें हम बिस्तरी के मामले में बीवी को खुश करना यही कमाल नहीं है बल्कि अपनी घरेलू ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाया जाए अगर आप सही माने में इन बातों पर अमल करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका टाइमिंग कम है नफ्स भी आपका छोटा भी है पतला भी है फिर भी आपकी बीवी अच्छे से खुश रहेगी अगर बिस्तर के मामले में आप कितना ही ज़्यादा बीवी को खुश कर दें और इन बातों पर आप अमल ना करें तो आपकी घरेलू ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी ये हैं वो इक्कीस बातें कि जिनका आपको हमेशा ख्याल रखना है नंबर एक आप हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि किस दिन आपकी बीवी ने नए अंदाज़ के बाल बनाए हैं या बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने हैं तो आप उनकी तारीफ़ करें आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या आपका लिबास बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है नंबर दो कभी कभी अपनी बीवी के हुस्न की तारीफ़ भी किया करें कि आप बहुत खूबसूरत हैं आप बहुत अच्छी हैं इस तरह से अपनी बीवी की तारीफ़ ज़रूर किया करें नंबर तीन अपनी शादी की तारीख याद रखिए और खास तौर पर उस तारीख को अपनी बीवी को हर एतबार से खुश कीजिए नंबर चार बीवी के तैयार करदा खानों की भी कभी, कभी कभी तारीफ आपको करते रहना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है नंबर पाँच बच्चों की देखभाल और परवरिश के सिलसिले में भी अपनी बीवी की तारीफ करते रहना चाहिए कि आप ये फ़राइज बड़ी खूब खुश असलूबी से अंजाम दे रही हैं आप जो है बहुत मेहनत से लगन से काम कर रही हैं बच्चों की परवरिश आप बहुत अच्छे से कर रही हैं नंबर छः बीवी के सामने अपने माथे पर शिकन ना लाएं हर तरह से मुतमयन और बावकार होकर के रहें नंबर सात अपनी बीवी के साथ उसके घर के काम काज में कभी कभी थोड़ा हाथ बटा दिया करें इससे मोहब्बत बहुत ज़्यादा पैदा होती है नंबर आठ अगर बीवी किसी मामले में आपको राय देती है तो उसकी राय को आप रद्द ना कीजिए उसको झुड़की मत और ना ही ये जाहिर होने दीजिए कि आपकी राय पर मैं अमल नहीं करूँगा भले ही उसकी बात पर अमल ना करें लेकिन गौर से सुने और उससे कहें कि ठीक है आपकी बात पर गौर की जाएगी नंबर नौ अपनी बीवी की पसंद और नापसंद का भी हमेशा ख्याल रखें नंबर दस आपकी जो रिश्तेदार औरतें हैं अगर वो किसी मामले में आपकी बीवी की तारीफ़ करें आपसे तो वो तारीफ़ी अल्फाज आप अपनी बीवी तक ज़रूर पहुंचाएं कि फला औरत आपके बारे में ये कह रही थी फला ये कह रही थी इस तरह के जो तारीफ़ी जुमले हैं वो अपनी बीवी तक आप ज़रूर पहुंचाएं नंबर ग्यारह अपनी बीवी पर हमेशा ये जाहिर करें कि वो आपको हर तरह से खुश और मतमिन रखती है यानी कि ऐसा जाहिर करें कि आप किसी भी एतबार से अपनी बीवी से नाराज़ नहीं है वो हर मामले में आपका ख्याल रखती है नंबर बारह अपने आप को अपनी बीवी पर कभी भी अफजल जाहिर ना करें यानी कि बीवी के सामने ये जाहिर ना करें कि बीवी जो है कमतर है पैर की जूती है मैं अफजल हूँ नहीं बल्कि हमेशा इस बात का ख्याल ख्याल रखें कि अपनी बीवी के सामने अपने आप को कभी भी अफजल जाहिर ना करें नंबर तेरह अपनी बीवी से अपने बहुत सारे मामलों को छुपा के ना रखें बल्कि अक्सर बातें ईमानदारी के साथ में बीवी से ज़ाहिर कर दिया करें नंबर चौदह अपनी बीवी को अपने दिल की बातें कह देने का मौका दीजिए ताकि उसका गुबार हल्का हो जाए यानी कि बीवी के दिल में जो बात है तो उसको इतना मौका आप ज़रूर दें कि वो अपनी सारी बातों को आपसे शेयर करे ताकि उसका बोझ हल्का हो जाए नंबर पंद्रह अपने रोज़गार या मुलाजिमत के सिलसिले में अपनी बीवी को अहतम दिखाइए के और वो उसको ये समझाइए कि कारोबार अच्छा है सारा मामला ठीक चल रहा है कोई दिक्कत की बात हमारे कारोबार में नहीं है आपकी बीवी अगर अपना थोड़ा सा वक्त अपनी सहेलियों या महल्लेदार औरतों के साथ गुजारती है तो इस बात पर कभी भी नाराज़गी का इजहार ना करें अगर समझाना है तो इत्मीनान और सुकून के साथ में समझाएं। घर की आरइश और जेबाइश के सिलसिले में अगर आपकी बीवी आपसे कुछ पैसे मांगती है वो घर के मामला में घर के मामलात में कुछ पैसा खर्च करना चाहती है तो आप खुशी के साथ में उसको पैसा दें कि वो घर को अच्छे से सजाए सवारे। अपनी बीवी के सामने दूसरी औरतों की तारीफ बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे उसके दिल में शको को शबहात पैदा होने का ख़दशा है और ये बात औरत कभी पसंद ही नहीं करती है कि उसका शोहर किसी दूसरी औरत की तारीफ़ उसके सामने करे अगर आपकी बीवी अपना कोई वाक़ आपको सुनाने लगे तो उसकी बात को पूरी तवज्जे के साथ सुने और उसमें यह जाहिर ना करें कि मैं आपकी इस बात से बोर हो रहा हूँ या उकताहट महसूस बिल्कुल ना करें बातचीत करते वक्त खुद ही ना बोलते रहें बल्कि अपनी बीवी को भी बोलने का मौका दें आप जो लमहत भी जितना टाइम भी अपने काम वक़ से फारिग होने के बाद में अपनी बीवी के साथ गुजारें तो उसमें ज़्यादातर आप खुश रहने की कोशिश करें एक तो टाइम बहुत कम अपनी बीवी को दे रहे हैं और उसके अलावा आप उतने टाइम में भी बीवी से झगड़ा करें ना इतफाक़ी की बातें करें चेहरे पर शिकल लाएं तो इससे भी जो है दिक्कत आती है इस बात का भी आपको हमेशा ख़ास ख़्याल रखना है तो ये थी वो ज़रूरी मालूमात कि आप सही माना में अगर इन बातों पर अमल कर लें तो आप एक सही और पावरफुल और ईमानदार शोहर भी अपनी बीवी की नजरों में साबित होंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार बनेगी घर में जो आई छोटी छोटी बातों पर आए दिन झगड़े होने लगते हैं ये भी बिल्कुल नहीं होंगे अगर छोटी छोटी बात पर कोई झगड़ा हो भी जाए तो इसको फ़ौर आप नज़रअंदाज कर दिया करें कि बीवी और तुम कोई दो नहीं हो बल्कि एक ही हैं इस तरह से मामूली से बातें हो जाती हैं तो उनको फ़ौर ख़त्म कर दिया करें दिल में कोई भी गुबार बिल्कुल ना रखें आपको ये मालूम मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं चलते चलते एक बात और सुनते जाइए हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर काम आ जाए अपने हाथों से किसी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करने की वजह से नशें कमज़ोर है मनी पतली है ढीलापन है धात यातलाम की बीमारी है या औरतों को सफ़ेद पानी की शिकायत है या बच्चे दानी उतरने का मर्ज है अपना वज़न बढ़ाना या घटाना चाहते हैं या आपके इस कम है या बवासीर का मर्ज है तो हम उससे संपर्क कर सकते हैं दवाई देसी जड़ी बूटी से की जाती है जहां भी आप चाहेंगे इंडिया में आपको पहुंचा दी जाएगी नंबर आप मेरा सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं बहरहाल ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं बताना मेरा काम इन पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी शोहर और बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करना यह अल्लाह के अख्तियार में है असला